पानी का फ्लो देखो यहाँ पे गाइस, काफ़ी तेज़ है। और हम रिवर के साइड साइड से चल रहे हैं। यूट्यूबर्स के मैंने वीडियोस देखे हैं, उनमें ये वैली जो है काफ़ी डिफरेंट दिखती है एंड बहुत थोड़ा सा पार्ट दिखता है, बट इट इज़ मच मोर देन दैट। नाइस, इट इज़ मच मोर देन ग्रैंड, ब्यूटीफुल, गुड। सो होपफुली स्टोरेज के चक्कर में, क्योंकि मेरा स्टोरेज भी फुल हो गया है एंड इट्स लाइक 400 GB के आसपास मेरे पास फुटेज हो चुका है ऑलरेडी एंड इट्स डे 6 or 7 only। सो मुझे तो ठीक से याद भी नहीं कि मैं कब चला था और आज कौन सी तारीख है। हर चीज़ इतनी खूबसूरत है ना कि आई डोंट काउंट ब्यूटीफुल थिंग्स, लेकिन भाई यहाँ से ख़त्म और टफ हो गए। अब ऑफ रोडिंग चालू है अपनी, बस पत्थर ही पत्थर और कुछ चढ़ाइयाँ। पहला वाला तो मैंने मिस कर दिया रिकॉर्ड करना क्योंकि गोप्रो ऑफ था, दैट वाज अ बिट टफ, नॉट दैट बट इट वाज। ओ भाई, मैं गलत रास्ते में, मेरे को नीचे से जाना था भगवान। इतना ही दूर था ये, आई थिंक रास्ता ख़राब है क्योंकि ऊपर से पत्थर वत्थर आते रहते हैं उसकी वजह से। सो इट वाज कूल, शोक रिवर वाला रास्ता कहीं पे है ठीक, कहीं पे है ख़राब। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई यार, धूप इतनी तेज़ है ना चल चलाते हुए। और एक तो मैंने दो इनर्स पहन रखे हैं, एक तो थर्मल डाल रखा है और दूसरा थर्मल जैकेट वाला, राइडिंग जैकेट वाला। तो उसकी वजह से गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही है। नेक्स्ट ब्रेक पर मैं थर्मल निकाल दूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड गर्मी लग रही है। अपने भाई लोग पीछे रह गए। सो रास्ते कुछ ऐसे है गाइस, कहीं पे ठीक है, कहीं पे अचानक से मे बी ये लैंडस्लाइड की वजह से होता होगा, रास्ते दब जाते होंगे या फिर टूट जाते होंगे फिर से। ओके, यहाँ कैसे क्रॉस करें, रेत। निकल जा, निकल जा, बहुत ज़्यादा स्किड हो रही है, फंसे हम। हाँ निकल गए, उन लोग को देखते हैं।
ऐसा क्यों लग रहा है कि सामने रास्ते नहीं है? ओके, सामने रास्ता नहीं है, रोड यहाँ से ख़त्म और जस्ट ईंट पत्थर ईंट पत्थर ईंट पत्थर। अब यहाँ से लगेगी हमारी रोड ख़त्म और फिर चालू जस्ट पत्थर ही पत्थर। आई थिंक यहाँ पे पानी लगता होगा, उसी के रीज़न से यहाँ पे रोड नहीं बनाया, और रोड बनाते भी होंगे तो टूट जाता होगा हर साल, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते होंगे तो ये भर जाता होगा। सो मे बी ओके, अपने ओडिन का रेडिएटर चल रहे जी, ओडिन ओडिन से याद है, मैंने अपने बाइक का नाम ओडिन रखा है, ओडिन द गॉड फादर ऑफ थॉर। वो गर्मी लग रही है यार बाइक को भी मुझे भी, और यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है हमारे फोर आर्म्स की। पत्थर के साथ मिट्टी भी है तो थोड़ा सा ग्रिप तो अच्छा होगा। ये रास्ता इतना ख़राब था, ये किसी ने क्यों नहीं बताया? शोक वाला रास्ता, थोड़ा अच्छा थोड़ा ख़राब, नहीं थोड़ा अच्छा ज़्यादा ख़राब। हम सेकंड गियर पे चल रहे हैं कंटिन्यूस फर्स्ट एंड सेकंड में, और रेडिएटर तब से चले जा रहे हैं जब से हम ये ऑफ रोड पर उतरे, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है यहाँ पे और इंजन टेम्परेचर जो है पूरा फुल पे है। बस एक लास्ट का जो पॉइंट होता है ना वो बच रखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ऊपर से एक फिल्म लगा दी है, उसकी वजह से डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है वो और कम हो गया है। अब आई डोंट नो कितने किलोमीटर्स है ये, बट आई थिंक लंबा ही है ये रोड। कहाँ है सॉरी अगर वॉइस पे मेरे हिसाब से रिकॉर्ड हो रही होंगी, प्लीज़ इग्नोर दैट। रास्ता बहुत ही ज़्यादा टफ है ये, लोग इतने दूर दूर तो गए फोटोशूट कराने। नन्ना सा वाटर क्रॉसिंग, छोटा सा, लेकिन संभाल के क्योंकि ये वाले बहुत स्किड होते हैं। ऐसा अच्छे से निकल गया, हाँ। शोक से आगे दुर्गुत, शोक और दुर्गुत के बीच के रास्ते यार क्या डेंजरस है, मींस ढलान और ऊपर से कर्व, सो ऐसा लगता है कि आप रोड के सीधा बाहर जा रहे हो, और वो गूज़बम्स वाली फीलिंग आती है अंदर से ना, ओहो डर से डर वाला गूज़बम्स होता है। वाह, अब यहाँ पे ये देखो, मौसम थोड़ा सा ख़राब था बट चढ़ाई है यहाँ पे पूरी सी थी। कुछ दूर पहले से ये रिवर इतनी खूबसूरत हो गई है, पानी बिल्कुल भी साफ है और बहुत ज़ोर से बह रही है, और उसकी आवाज़ इतनी प्यारी सी आ रही है ना, ये देखो। ओह माय गॉड, मैं इतना थक गया हूँ, मैं इतना लाइक धूल मिट्टी से मैं भट गया हूँ कि मेरे को दिल कर रहा है मैं इधर ही नहा लूँ। देखो ज़रा इसको, आवाज आ रही होगी आपको, मजा आएगा। वो ठंड भी लग रही है यहाँ पे, लाइनर्स निकाल दिए थे और फिर ये हो रहा है, हम ग्लेशियर्स के करीब से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ऊपर से मेरे दोनों शू गीले हो चुके हैं। वहाँ मैं छलांगे मार रहा था, एक्शन कर रहा था, और उसका रिएक्शन बना मुझे, और लग रही है ठंड क्योंकि इन ग्लेशियर्स की वजह से, ये ग्लेशियर्स बहुत ही करीब हैं।
सो फाइनली 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 हेयर वी आर आफ्टर खारदुंगला। और सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड था तो वो है ये, कितना ब्लू ब्लू इस पानी है, कितना क्लीन लग रहा है ये। अच्छा हुआ ये दिल्ली में नहीं है। ओह माय गॉड, एकदम ब्लूइश ब्लूइश पानी, अगर आप देख पा रहे हो तो एकदम ब्लू है, मेरी आंखों से ब्लू दिख रहा है। ऐसा नहीं कि कैमरे में आपको ब्लू दिख रहा होगा, ये बिल्कुल ब्लू है, ये स्काई का ही कलर दिख रहा है यहाँ पे। शानदार लग रहा है कि हम नीचे कैंप तक पहुँच पाएंगे। और सोचा क्यों ना साथ समय लेते एक दो पिक्चर्स ले लेते हैं पैंगोंग पे। हे गाइस, सो कल स्टे ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया और रास्ते बहुत ही ख़राब थे, उसकी वजह से थोड़ा इशू हो गया और शाम का मैं वीडियो नहीं बना पाया। और हम सोए और जो पैंगोंग लेक का टेम्परेचर था वो 0 से भी नीचे गिर गया था आई थिंक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और मैं शू गीला होने की वजह से मुझे थोड़ा सा फीवर हो गया था और अभी भी मुझे फील हो रहा है। सो गेस व्हाट, नज़ारे तो देखो। पानी जो है यहाँ का कलर, पानी का कलर जो है स्काई के कलर का ही होता है, ये तो सबको पता होगा। तो सेम आज स्काई ब्लू है, पानी जो एकदम क्रिस्टल ब्लू की तरह दिख रहा है और बहुत ही अच्छी जगह यार, बहुत ही अच्छी जगह, सीरियसली मज़ा आ गया। और ये अपनी